तो डियर स्टूडेंट, ये है बीए थर्ड सेमेस्टर यानी कि बीए तृतीय सेमेस्टर का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, जो कि ये पिछले वर्ष का है, ठीक है। इससे उन सभी स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा इस मॉडल पेपर से, इस वीडियो से, जो बीए सेकेंड सेमेस्टर को पास करके यानी कि बीए सेकेंड सेमेस्टर में पास होकर वो बीए थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे और आने वाले दिनों में परीक्षा देंगे। तो जो भी बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा आने वाले दिनों में देंगे, ठीक है, उनको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि हिंदी का मॉडल पेपर बीए थर्ड सेमेस्टर यानी कि बीए तृतीय सेमेस्टर में कैसा आता है, किस प्रकार का आता है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको जानकारी मिलेगी। और वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो, मतलब कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अभी आप लोगों को मालूम है कि रिसेंटली ही बीए सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएँ मतलब कि समाप्त हुई हैं कुछ यूनिवर्सिटी में, तो महीने दो महीने हो गए परीक्षाओं समाप्त हुए, लेकिन कोई बात नहीं, आप बीए सेकेंड सेमेस्टर को पास करके आएंगे थर्ड सेमेस्टर में, और जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही है, ये पिछले वर्ष का पेपर है बीए थर्ड सेमेस्टर का, ऐसा ही आया था, ठीक है। तो चलिए, इसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, किस प्रकार का आएगा, हम आपको जानकारी दे दे रहे हैं। प्रूफ के तौर पर आप लोग देख ही रहेंगे बीए सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2023 लिखा, सब्जेक्ट आपका हिंदी लिटरेचर है कि हिंदी साहित्य है, प्रश्न पत्र का नाम हिंदी गद्य है, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी गद्य से जुड़े होंगे। दो तीन घंटे का समय मिलता है, कुछ यूनिवर्सिटी में दो का मिलता है, कुछ में तीन का मिलता है, 75 नंबर का पूर्णांक होता है। सबसे पहले आपको अतिलेख उत्तरी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं खंड में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अतिलेख उत्तरी क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर लिखी जाती हैं कि भैया कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, ये पूरी जानकारी दी जाती है, इसको पढ़ लेना है, उसी के बाद आपको उत्तर देना है, ठीक है। क्योंकि जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, वो दिशा निर्देश पहले पढ़ लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी क्वेश्चन जितने शब्दों में बोलेगा उत्तर लिखने के लिए, उतने में ही लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, मैं आपको बता दूँ 80 से 90% जो स्टूडेंट होते हैं वो गलती ये बहुत बड़ी करते हैं कि जो सबसे पहले जो प्रश्न होता है उसका उत्तर देने में सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है, और साथ साथ में उसका उत्तर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। आपको अगर क्वेश्चन कह रहा है भैया 75 शब्दों में प्रश्न का उत्तर दीजिए, 50 शब्दों में दीजिए, तो उतने ही शब्दों में दीजिए। ज़्यादा में देंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, दो नंबर का है तो दो ही नंबर मिलेंगे, तीन नंबर का तो तीन ही नंबर मिलेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगाना है पहले प्रश्न पर, ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर देने पर। ये बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, आप भी करेंगे मुझे मालूम, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आएंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि हिंदी कहानी का विकासात्मक परिचय दीजिए, यानी कि जो आप लोग स्टोरी सुनते आ रहे हैं बचपन से, कहानी शब्द, ठीक है, और ये वही कहानी की बात हो रही है, ठीक है, और कहानी बहुत सारे लेखकों ने लिखी है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी जो कहानी है इसकी शुरुआत विकास वैसे भाई, तो जैसे आप पहले तो ये लिखेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर शुरुआत होने के बाद दिन जैसे जैसे कि कहानी लोग जानने लगे इसका विकास होने लगा, ठीक है। विकास का मतलब आप लोग समझते हैं कि जैसे कि कोई चीज़ है, एक लोग जानते हैं, फिर धीरे धीरे दो लोग जानने लगते हैं, फिर 10 लोग जानने लगते हैं, 50 लोग जानने लगते हैं, ठीक है, और वो चीज़ लोगों तक ज़्यादा माध्यम में पहुँचने लगती है, उसको जान लोग समझने लगते हैं। और आज आप लोग देख ही सकते हैं कि कहानी का कितना विकास है। आप लोग आज सिलेबस में आपके आ गया है, आप लोग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, सिलेबस में टॉपिक में आता है, पढ़ते हैं आप सभी लोग हिंदी कहानी, वो चाहे बी हो चाहे एमए हो, या फिर आप लोग अन्य किसी कोर्स की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी। तो इसी तरह इसका विकास हुआ, इसी तरह इसके बारे में लिखेंगे। जैसे हमने ज़्यादा टाइम लगा लिया पहले प्रश्न का उत्तर समझाने में, इसी तरह आप गलती नहीं करिएगा उत्तर लिखने में, ठीक है, कम टाइम लगाइएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एकांकी एवं नाटक में क्या अंतर है, इस सबसे आप परिचित हैं, 10वीं 12वीं में आपने पढ़ा है, बस उसी का रिवीजन करके तैयारी करना है। एकांकी किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषा तैयार कर लेना है, सिंपल सिंपल परिभाषाएं हैं, उसके बाद दोनों में डिफरेंस तैयार कर लेना। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण हैं, प्लस कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में पिछले वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं उनको बताएंगे, ठीक है। उत्तर नहीं बताएंगे, उत्तर के लिए आपको हम वीडियो के लास्ट में एक तरीका बता देंगे, वहीं पर आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन मतलब कि अगला है कि यात्रा वृतांत, ये सब विधाएं हैं, ठीक है, हिंदी की, तो यात्रा वृतांत एवं व्यंग्य विधा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो ये क्वेश्चन 80% या फिर 90% ही उम्मीद है आने की, मतलब 100% नहीं है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसका उत्तर इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ये 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं।
अगला प्रश्न है कि उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी लक्ष्मी का स्वागत का उद्देश्य बताइए। इस भी क्वेश्चन की 100% गारंटी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन की ज़्यादा उम्मीद है उनको हम बता भी देंगे आपको कि कौन ज़्यादा उम्मीद है आने की। जैसे कि क्वेश्चन है महादेवी वर्मा के रेखाचित्र गिल्लू का सारांश संक्षिप्त में लिखिए। महादेवी वर्मा जी आप सभी को मालूम है एक बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री हैं और रेखाचित्र एक विधा है। गिल्लू इनकी एक रचना है, इन्होंने गिल्लू के बारे में लिखा उसमें, ठीक है, एक ठीक है रेखाचित्र है, बताया है, पुस्तक है, बुक है, ऐसा बोल सकते हैं, रचना है, कृति है, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। महादेवी वर्मा जी से जुड़ा क्वेश्चन एक तो पक्का ही आएगा और ज़्यादातर यही पूछा जाता है रेखाचित्र गिल्लू, क्योंकि इनकी ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और बहुत प्रसिद्ध रेखाचित्र है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला है कि हिंदी के ऐतिहासिक नाटककार कौन है, एक लाइनर क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुन लीजिए, आएगा पक्का। अगला है क्वेश्चन कि हीरामन ने कौन से तीन कस्में खाई थी, बहुत कम उम्मीद है तो इग्नोर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ध्रुवस्वामिनी की विधा क्या है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के बारे में बताइए, ध्रुवस्वामिनी नाटक किसकी है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में कितने पात्र हैं। तो ध्रुवस्वामिनी एक बहुत ही प्रमुख नाटक है और इससे जुड़े आपकी परीक्षा में दो प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है, ध्रुवस्वामिनी से जुड़े। एक तो आपको अति लघुत्तर या लघुत्तर में देखने को मिलेगा, एक विस्तृत्तर यानी कि दीर्घोत्तर में देखने को मिलेगा। ध्रुवस्वामिनी के बारे में अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, जो कि एक नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, तो इससे आप लोगों कम से कम 10 से लेकर 12 नंबर की हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, 10 से 12 नंबर की हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आज तक ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं जिसमें ना आया हो, हमेशा आता है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अगला है कि अशोक के फूल निबंध का उद्देश्य क्या है, तो ये क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता लेकिन तैयार कर लेंगे तो बेटर ही रहेगा, ठीक है। अगला है कि हरिशंकर परसाई के व्यंग्य संग्रह कौन कौन से हैं, तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, बहुत कम उम्मीद है आने की। खंड बाकी और आ जाएंगे जहाँ पर आपको लघुत्तर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो लघुत्तर में भी आपको यहाँ पर पूरी दिशा निर्देश बताई गई है कि कितने क्वेश्चन करना है और उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, उसके लिए कितने नंबर दे जाएंगे, ये पूरी जानकारी दी गई है, इसको पढ़ लीजिएगा, देन उसके बाद उत्तर दीजिएगा। तो आपको लघुत्तर में पहले तो आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, कुछ आपको गद्यांश दिए जाएंगे, ठीक है, इनकी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। संदर्भ सहित व्याख्या के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप अच्छे से आप लोग परिचित हैं, ठीक है। जैसे कि ये पैराग्राफ दिया गया है, तो ये पैराग्राफ कौन से लेस, हिंदी का तो है ही, हिंदी गद्य का, लेकिन कौन से लेसन का है और इस लेसन को कौन से कवि ने लिखा है, कौन से मतलब कि ये रचना का ये एक गद्यांश है, ये एक ठीक पैराग्राफ है, ये कौन से लेसन से लिया गया है, इसके रचनाकार कौन है, ये आपको लिखना है, ठीक है, संदर्भ में, उसके बाद इसकी व्याख्या कर देना है कि इसका मतलब क्या है, तो ये आपको इस तरह तैयार करना पड़ेगा। इसी तरह आपको कुल मिला के चार गद्यांश दिए जाते हैं और उनमें से किन्हीं दो गद्यांशों का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, जिनके बारे में आपको जानकारी अच्छे से, ठीक है, तो ये पूरी यहाँ पर दिया गया है, ये आपको देख लेना है। उसके बाद आ जाएंगे हम खंडसा की ओर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि जिनको विस्तृत उत्तरीय बोलते हैं, तो सेम टू सेम इसमें पूरी दिशा निर्देश दी जाएगी, कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में आंसर लिखना है और उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे, ये आपको जानकारी दी जाएगी। हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग रूल्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में दीर्घोत्तरीय में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, कुछ में 1 करने होते हैं, कुछ में 3 करने होते हैं, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि हमारी भी यूनिवर्सिटी में एक ही क्वेश्चन आएगा दीर्घोत्तर, आपकी यूनिवर्सिटी में 2 भी आ सकते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, मैं आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है। तो पहला क्वेश्चन है दीर्घोत्तर यानी कि विस्तृत उत्तरी का कि एकांकी तत्वों के आधार पर दीपदान एकांकी की समीक्षा कीजिए। एकांकी आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ, एकांकी बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे जुड़े क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं, तो उसमें एक एकांकी जिसका नाम दीपदान, ठीक है, दीपदान में, दीपदान जो एकांकी, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया, इसके तत्व क्या हैं, किस पे आधारित है, ये सब आपको लिखना है, ये महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपका ये फालतू का नहीं जाएगा, मतलब कि एक जायज ही जाएगा इसका उत्तर तैयार करना आप लोगों के लिए, चाहे वो दीर्घ में पूछा जाए, चाहे लघु में, चाहे अंत में आएगा पक्का। अगला क्वेश्चन कि पंच परमेश्वर कहानी, जो कि आपने बचपन में भी पढ़ी होगी, बचपन का मतलब ये है कि 8वीं 9वीं क्लास में भी पढ़ी होगी, पंच परमेश्वर कहानी का सारांश बताइए कि पंच परमेश्वर कहानी में कितने पात्र थे, उसमें क्या हुआ और उसमें लास्ट में उससे क्या सीख हमको मिलती है, क्या सारांश निकलता है, ये आपको लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। गारंटी मतलब कि कई बार आ चुका है तो उम्मीद है कि इस बार भी फंस सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाफा फैली पर प्रकाश डालिए।
तो आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी से भी जुड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो चाहे अति लघुत्तर में आए, चाहे लघुत्तर में आए या फिर दीर्घोत्तर में आए, आएगा जरूर, पक्का है। ठीक है, तो आप इनका पूरा का पूरा जीवन परिचय तैयार कर लेंगे तो इनका पूरा का पूरा जीवन परिचय में इनकी रचनाएं, निबंध, भाफा, फैली सब आपको कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये समाप्त होता है यहाँ पर पूरा का पूरा बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। कुछ इसी प्रकार का मॉडल पेपर भी देखने को मिलेगा, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैंने सोचा आपको एक जानकारी देनी चाहिए तो मैंने वीडियो बनाई, और ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है। इस चैनल पे जल्द ही आपको महासंग्राम पीडीएफ, आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होगी हम कराएंगे, ये पूरी जानकारी मिलेगी। प्लस ऐसे सबसे पहले तो आपको फ्लेवर्स का कवर कराएंगे, फिर एक एक चैप्टर कोशिश करेंगे करने का, उसके बाद हर एक चैप्टर की वीडियो आएगी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, फिर महासंग्राम पीडीएफ होगी, महासंग्राम वीडियो बना के उसकी पीडीएफ तैयार करेंगे। ये सब पूरी आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है और कंप्लीट तैयारी आपकी कराने वाले हैं। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।